2023 से नहीं बिकेगा जॉनसन का टैल्कम बेबी पाउडर। पाउडर से कैंसर होने के विवाद के बाद कंपनी की तरफ से ये फैसला लिया गया है। मुकदमे दर्ज होने के बाद अब पूरी दुनिया में इसकी बिक्री बंद होने जा रही है। अमेरिका, कनाडा में 2020 में ही कंपनी ने बिक्री रोक दी थी, लेकिन हमारे देश में लगातार ये पाउडर बिक्री के लिए अवेलेबल था। भारत और ब्रिटेन समेत कई देशों में इसकी अभी भी बिक्री हो रही है। कंपनी अपने टैल्कम बेस्ड पाउडर को कॉर्न स्टार्च बेस्ड पाउडर से रिप्लेस करेगी और उसके बाद ही इसकी बिक्री दोबारा शुरू होगी। तो 2023 से जॉनसन का यह टैल्कम बेबी पाउडर नहीं बिकेगा, ये तय किया गया है। कंपनी की तरफ से यह फैसला लिया गया है और इसे लेकर तमाम तरह के मुकदमों का इस वक्त कंपनी कर रही है सामना। तो आइए इसकी पूरी डिटेल हम आपको देते हैं, क्योंकि ये जो फैसला लिया गया है ये सीधे लोगों को से जुड़ता है और इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये कदम अगर उठाया गया है तो इसके पीछे वजह क्या है। 2023 से नहीं बिकेगा जॉनसन का टैल्कम बेबी पाउडर। पूरी दुनिया में जॉनसन के टैल्कम बेबी पाउडर की बिक्री जो है वो रोकी जा रही है, ये बड़ी खबर है और इसके बारे में एक एक अपडेट जो है वो हम यहाँ आपको बता रहे हैं। कंपनी पूरी दुनिया में पाउडर से कैंसर होने की शिकायतों से इस वक्त जूझ रही है और इसके चलते बहुत सारे मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है जॉनसन कंपनी को। के बाद दुनिया भर में पाउडर की डिमांड तेजी से घट रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता था और खास तौर पर बच्चों के लिए लोग अमूमन इसका इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका, कनाडा में 2020 में ही पाउडर की बिक्री बंद हो चुकी है, लेकिन हमारे देश में बिक्री चल रही थी और सिर्फ भारत ही नहीं ब्रिटेन में भी ये बेचा जा रहा था। भारत, ब्रिटेन समेत कई देशों में अभी भी पाउडर की बिक्री लगातार जारी है और कंपनी के ऊपर कई लोगों ने मुकदमे डाले हुए हैं कि इस टैल्कम पाउडर से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। कंपनी अभी भी पाउडर को पूरी तरह सुरक्षित बता रही है, ये कंपनी का मौजूदा स्टेटस है इस टैल्कम बेबी पाउडर को लेकर। घटती डिमांड और कोर्ट केसेस की वजह से बिक्री रोकने का फैसला लिया गया है, यानी कंपनी ने अभी ये नहीं माना है कि इसकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए हम बिक्री को रोकने जा रहे हैं। कंपनी अभी भी इस बात पर अड़ी हुई है और कह रही है कि नहीं, कोई खतरे की बात नहीं, और यही वजह है कि तमाम मुल्कों में अभी भी ये टैल्कम पाउडर बिक रहा है। तो कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन और दावा यह है कि पाउडर के इस्तेमाल से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। और अब तक जो केसेस दर्ज हुए वो देखिए उनकी संख्या कितनी ज्यादा है, 19,400 कोर्ट केसेस दर्ज किए जा चुके हैं और 27 मामलों में अब तक फैसला आया है। सिर्फ और सिर्फ 27 मामलों में ही अब तक फैसला आ पाया है। अब 12 मामलों में कंपनी की जीत हुई है, यानी जॉनसन एंड जॉनसन की जीत हुई है, उसके दावों को सही पाया गया है और 15 फैसले कंपनी के खिलाफ गए हैं। यानी ज्यादातर केसेस में जो अदालतें हैं उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के खिलाफ फैसला दिया है। इसके बाद पूरी दुनिया में इस को लेकर विवाद हो रहा है और कंपनी बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है।